हाँ, तो यूनिट तीसरी हम कर रहे हैं और तीसरे यूनिट में चैप्टर नंबर 7 का हमारा चल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले हमने इस चैप्टर का एक वीडियो और किया था और उसमें हमने एक टॉपिक किया था ओरस्टेड का प्रयोग। तो ओरस्टेड ने क्या बताया था कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है और उसके नीचे अगर कोई चुंबक की सुई रखी हुई हो तो चुंबक की सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपने पास जब भी हम किसी तार के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार के कारण उसके बाहर है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बाहर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान क्या होता है, तो उसका मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया गया था जिसको हम बोलते हैं बायो सावर्ट का नियम। तो आज हम जो नियम करेंगे वो करेंगे बायो सावर्ट का नियम। तो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो देखना इसको करते हैं बायो सावर्ट का नियम। तो देखना, किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र की दिशा तथा उसका मान ज्ञात करने के लिए प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर फ्रेंच भौतिक वैज्ञानिकों बायो तथा सावर्ट द्वारा एक नियम प्रतिपादित किया गया था। ये जो दोनों वैज्ञानिक थे, बायो अलग था और सावर्ट अलग था, ये दोनों फ्रेंच वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था कि किसी चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण किसी बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया गया था। तो अब उस सूत्र को हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कितना उत्पन्न कितना आएगा, उसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था। तो इसको देखना, समझते हैं। किसी धारावाही चालक तार के कारण देखना, सबसे पहले हम एक मान लेते हैं कि अपने पास एक धारावाही चालक तार है। देखना, ये अपने पास एक धारावाही चालक तार है जिसकी अनंत लंबाई है, वो अनंत है, अनंत लंबाई है। तो धारावाही चालक तार कब होगा, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। धारावाही चालक तार है, लंबाई है अनंत और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। अब इस तार के कारण इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो सावर्ट ने एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया था। तो हम ये मान लेते हैं कि इस तार के कारण, और यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं बिंदु P, इस तार के कारण इस बिंदु P के ऊपर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है। और ये जो तार से इसकी जो दूरी है वो दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, R है। और ये जो नियम दिया गया था ये एक अल्पांश के कारण दिया गया था। यहाँ पर एक अल्पांश की हम कल्पना करते हैं, यानी कि इस तार का छोटा सा भाग। अगर इस छोटे से भाग के कारण हम यहाँ पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे तो पूरे तार का निकालने के लिए हम उस जो अपना फॉर्मूला आएगा उसका समाकलन कर देंगे तो पूरे तार के कारण हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र है वो आ जाएगा। ये अल्पांश है जिसकी लंबाई है dl, और जब हम इसका अनुप्रयोग करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बायो सावर्ट का नियम हम लगाते हैं। तब आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा कि हाँ भाई, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के द्वारा हम बायो सावर्ट का नियम किस प्रकार से लगाते हैं। पहले आज हम ये देखेंगे कि फॉर्मूला उसने किस प्रकार से दिया था। तो ये धारावाही चालक तार है, इस तार में एक छोटा सा अल्पांश ले लिया है जिसकी लंबाई है dl, और इस अल्पांश का केंद्र हम मान लेते हैं ये O है। केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है dB, क्योंकि छोटे से भाग के कारण छोटा सा ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हमने छोटा सा भाग लिया है dl, तो उसके कारण अल्पांश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा ही उत्पन्न होगा, यानी कि dB चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और ये जो कोण है, ये कोण हम मान लेते हैं कितना है, थीटा कोण है, और यह है r दूरी पर। हमें ये देखना है कि बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कितना होगा। और तो उन्होंने एक प्रयोग किया था, इसमें सबसे पहले उसने क्या देखा कि ये जो डिब्बी है चुंबकीय क्षेत्र है ये तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम एक नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे, बिंदु
पी पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तार में प्रवाहित, तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी कि जो चुंबक के क्षेत्र है डीबी, ये तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि जितनी धारा हम प्रवाहित करेंगे चुंबक के क्षेत्र उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। और इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर एक, यानी कि चुंबक के क्षेत्र है वो किसके समानुपाती होगा, इस चालक में प्रवाहित धारा के। यानी कि जितना ज्यादा चुंबक के क्षेत्र होगा उतनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। दो नंबर बात क्या थी, तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसकी अल्पांश की लंबाई के भी समानुपाती होता है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई, अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी कि जो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है dB, वो इसकी लंबाई है dl, उसके भी क्या होता है, समानुपाती। यानी कि जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी कि तार की लंबाई अगर जितनी बड़ी लेंगे, अल्पांश हम जितना बड़ा लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ही ज्यादा आएगा। तो प्रयोगों के द्वारा उन्होंने क्या देखा कि डीबी समानुपाती होता है आई के और डीबी समानुपाती होता है डीएल के। तीसरी बात थी, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि बिंदु पी पर चुंबक के क्षेत्र कोण के जा के समानुपाती होता है, इसको जा भी बोलते हैं, जा। यानी कि जो डीबी है वो समानुपाती किसके होता है, साइन थीटा के। और ये साइन थीटा, ये जो अपने पास थीटा है, ये आर और ये अल्पांश डीएल के मध्य का कोण है। तीसरी बात प्रयोगों के द्वारा उन्होंने ये देखी थी। बात करते हैं चार नंबर, बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र, बिंदु पी पर चुंबक के क्षेत्र, चुंबक के क्षेत्र बिंदु ओ से जो आर जो दूरी है वो आर की स्क्वायर यानी किसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिंदु पी पर चुंबक के क्षेत्र अल्पांश से, अल्पांश से बिंदु पी तक, पी तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो डीबी है वो इसकी दूरी है आर और इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रयोगों के द्वारा उन्होंने ये चार बातें प्राप्त की थी। पहली बात कौन सी है कि जो बिंदु P है, ये रहा बिंदु P और ये रहा इसका केंद्र O, तो बिंदु P के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है डीबी, वो किसके समानुपाती होता है, चालक में प्रवाहित धारा के। यानी कि चुंबक के जितनी ज्यादा हम धारा प्रवाहित करेंगे इस तार के अंदर से, उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होगा। जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये बात हमने जो अपना ओरस्टेड का प्रयोग किया था उसमें भी ये बात बताई थी कि जब हम चालक तार एबी के अंदर से धारा के मान को बढ़ाते हैं तो जो चुंबकीय सुई में विक्षेप है उसमें भी वृद्धि होती है। उसी प्रकार से ये है कि जब हम इस चालक तार में से धारा प्रवाहित करते हैं, जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होगा। एक नंबर है बायो तथा सावर्ट के द्वारा ये बात बताई गई थी। दूसरी बात क्या बताई थी कि जैसे जैसे हम इस अल्पांश
की लंबाई को बढ़ाएंगे। जितना बड़ा अल्पांश होगा चुंबक के क्षेत्र का मान उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि जैसे जैसे अल्पांश छोटा लिया है बड़ा अल्पांश लेंगे तो चुंबक के क्षेत्र भी हमें ज्यादा प्राप्त होगा। तो डीबी समानुपाती किसके हो गया, डीएल के। तीसरी बात थी कि बिंदु पी पर चुंबक के क्षेत्र कोण की ज्या के समानुपाती होता है, यानी कि ज्या का मतलब है कि जो ये जो अपने पास डीएल और आर के मध्य जो कोण बन रहा है इस ज्या के समानुपाती, यानी कि डीबी समानुपाती हो गया साइन थीटा के। यानी कि थीटा का मान जैसे कि जैसे हम थीटा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबक के क्षेत्र का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये बात तीसरे पॉइंट में प्रयोगों द्वारा उन्होंने बताई थी। जो लास्ट बात है वो क्या थी कि बिंदु पी पर चुंबक के क्षेत्र अल्पांश से बिंदु पी की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो डीबी है वो जो दूरी है इसकी बिंदु ओ से लेके बिंदु पी की दूरी आर है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डीबी व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/r2। तो ये चार बात प्रयोगों द्वारा उन्होंने बताई थी, यानी कि डीबी समानुपाती आई, डीबी समानुपाती डीएल, डीबी समानुपाती साइन थीटा और डीबी व्युत्क्रमानुपाती 1/r2। अब हम समीकरण 1, 2, 3, 4 को देखना एक साथ किस प्रकार से लिखेंगे। अब हम समीकरण 1, 2, 3, 4 को चारों को मिलाकर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखना समीकरण 1, 2, 3, 4 को मिलाकर लिखने पर इन चारों समीकरणों को मिलाकर लिखेंगे किस प्रकार से लिख सकते हैं, डीबी समानुपाती आई के समानुपाती डीएल के समानुपाती साइन थीटा के और व्युत्क्रमानुपाती किसके हैं, आर की स्क्वायर के। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं डीबी समानुपाती आई डीएल साइन थीटा और अपॉन में आर की स्क्वायर। अब देखना ये हम समानुपाती का नियतांक घटाएंगे तो अपने पास में एक नियतांक आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4π और ये है अपना आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर की स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था किसी भी बिंदु के ऊपर, यानी कि जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है और धारा प्रवाहित के अगर हमें चुंबक के क्षेत्र निकालना हो तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम चुंबक के क्षेत्र निकाल सकते हैं। अगर पूरे तार में के कारण चुंबक के क्षेत्र में निकालना हो तो इस समीकरण का हम समाकलन कर देंगे तो पूरे तार के कारण हमारे पास में चुंबक के क्षेत्र वो आ जाएगा। और ये जो हम काम करेंगे ये इनके अनुप्रयोगों के द्वारा हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं कि इसके अल्पांश के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र। तो डीबी इक्वल टू हो गया म्यू नोट अपॉन 4π आईडियल साइन थीटा अपॉन आर की स्क्वायर। और ये जो म्यू नोट है ये अपने पास एक नियतांक है जिसको हम बोलते हैं निर्वात की चुंबकनशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ये नियतांक है जिसको बोला जाता है निर्वात की चुंबकशीलता। अगर हम इस निर्वात की चुंबकशीलता के अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक देखना क्या आएगा, तो अपने पास ही इसका मात्रक आएगा। इस फॉर्मूले में हम म्यू नोट निकाल लेते हैं तो म्यू नोट हम निकालेंगे तो अपने पास आएगा डीबी 4π आर की स्क्वायर अपॉन आई डीएल साइन थीटा। तो देखना मात्रक म्यू नोट का डीबी है यहाँ पर चुंबक के क्षेत्र और जो चुंबक के क्षेत्र का मात्रक होता है वो टेस्ला होता है तो हम इसको लिख देते हैं टी से, ये हो गया है टेस्ला इंटू 4π। ये एक नियत राशि है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और आर आर है जीरो से ओ से लेके पी तक की दूरी और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ पर आर की स्क्वायर है तो अपने पास ही हो जाएगा मीटर की स्क्वायर अपॉन आई है विद्युत धारा और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो ये अपने पास आ गया एम्पियर। ये है डीएल, डीएल है लंबाई और लंबाई का मात्रक होता है मीटर इंटू में आ गया मीटर। अब साइन थीटा है त्रिकोणमितीय राशि है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब मीटर से हम मीटर कैंसिल कर सकते हैं तो म्यू नोट का जो मात्रक आएगा वो कितना आएगा, टेस्ला इंटू में मीटर अपॉन में एम्पियर। ये इसका हो गया है मात्रक। और ये जो म्यू नोट है इसका मान भी आपको याद रखना है, म्यू नोट का मान होता है 4π × 10⁻⁷ और इसका मात्रक क्या है, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। अभी अगर म्यू नोट का मान हम यहाँ पर लगाएंगे तो देखना कितना आएगा,
4 पाई से 4 पाई कैंसिल, अपने पास में 10 की पावर माइनस का 7 ही बचेगा। तो म्यू नॉट का मान है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर माइनस 7 है। तो ये अपना बायो सावर्ट का नियम था। और इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, जो चुंबक के क्षेत्र है उसका मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको एक बार और समझते हैं, फिर आपको ये बताएंगे कि दिशा की गणना हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखना, किसी धारावाही चालक, ये अपने पास एक धारावाही चालक है जो अनंत लंबाई का है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। किसी बिंदु पर, ये बिंदु हमने मान लिया है बिंदु P, यहाँ पर हमें चुंबक के क्षेत्र निकालना है। सीधी सी बात है, ये अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इस धारा प्रवाहित के कारण इसके बाहर सभी बिंदुओं पर चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसमें हमने मान लिया है कि बिंदु P पर चुंबक के क्षेत्र DB उत्पन्न हो रहा है। और इस तार में हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया है, क्योंकि नियम अल्पांशों के द्वारा दिया गया था। अब इसमें जो छोटा सा अल्पांश हमने ले लिया है, अगर पूरे के लिए चुंबक के क्षेत्र हम निकालना चाहें तो इस समीकरण का समाकलन कर देंगे, तो हमारे पास पूरे तार के लिए चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न है वो कितना चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होगा वो आ जाएगा। तो ये जो DL अल्पांश ले लिया, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P DB है जहाँ पर हमें क्या निकालना है, चुंबक के क्षेत्र का मान निकालना है। ये जो DB यहाँ पर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसी का मान हमें निकालना है। और उसी के लिए बायो और जो सावर्ट वैज्ञानिक थे उन दोनों ने मिलकर नियम दिया था। आगे देखना, फिर जो नियम दिया गया था उस नियम के आधार पर क्या बताया था कि बिंदु P पर चुंबक के क्षेत्र है वो धारा में, बिंदु P पर चुंबक के क्षेत्र, ये जो धारा है इस तार में, उसके समानुपाती होता है। तो बिंदु P पर चुंबक के क्षेत्र, यहाँ पर हम लिखेंगे तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो DB समानुपाती कितना आ गया है, I आ गया है। यानी कि जैसे जैसे हम चुंबक के क्षेत्र को बढ़ाएंगे या फिर जैसे जैसे हम धारा को बढ़ाएंगे, चुंबक के क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया है। और ये आप याद रखना है, प्रयोगों के द्वारा इस समीकरण, चारों समीकरणों को उन्होंने बताया था। दूसरी बात क्या थी कि बिंदु P पर चुंबक के क्षेत्र है वो अल्पांश की लंबाई DL के समानुपाती होता है। तो DB समानुपाती हो गया है DL, यानी कि जैसे जैसे हम अल्पांश को भी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चुंबक के क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाएगा। बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती होता है या फिर कोण की ज्या के समानुपाती होता है। DB समानुपाती साइन थीटा। या फिर चौथी बात इसने बताई थी, जो चुंबक के क्षेत्र है वो अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, DB व्युत्क्रमानुपाती 1/r2। अब ये समीकरण हो गए हैं चार। अब चारों समीकरणों में मिला के लिखेंगे तो अपने पास ये समीकरण बनेगा, क्योंकि DB समानुपाती है I के समानुपाती, DL के समानुपाती sin थीटा के, और व्युत्क्रमानुपाती r2 के। अब हमें समानुपाती का अगर हम नियतांक कटाएंगे, अपने पास एक नियतांक आएगा म्यू नोट अपॉन 4π। और ये जो म्यू नोट है इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकनशीलता, और इसका मान होता है 4π गुणा 10 की पावर माइनस 7। और इसका जो मात्रक हमने यहाँ पर निकाल लिया है टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। तो टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है इस चैप्टर में। जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इस चैप्टर का, वो करेंगे बायो सावर्ट का नियम के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग, इसके 4-5 अनुप्रयोग हैं, और सभी अनुप्रयोगों में ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और इस, ये जो एग्जाम में भी इस बायो सावर्ट के नियम को बहुत बार पूछा गया है, और ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ फिर से हमने क्या निकाल लिया है, मान तो निकाल लिया है, मान तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं दिशा की। तो दिशा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा ये जो दायां हाथ है, इस दायां हाथ को हमें काम में लेना है। तो दायां हाथ को किस प्रकार से हम काम में लेंगे, कि ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे को जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है वहीं पर ही कर देना है। तो देखना इस प्रकार से, चालक में ये जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में करना है। तो धारा में पता है ऊपर की साइड में प्रवाहित हो रही है, तो अंगूठे को देखना धारा की दिशा में कर दिया है। तो अंगूठा बता रहा है धारा की दिशा, और ये जो अंगुलियां हैं उसको कर देना है जहां पर हमें चुंबक के क्षेत्र वो निकालना है, वहां पर कर देना है। तो हमें निकालना चुंबक के क्षेत्र बिंदु P के ऊपर, तो अंगूठे को कर देना है धारा की दिशा में, और अंगुलियों को कर देना है चुंबक के क्षेत्र की दिशा में। तो जो हथेली है ये अपने चुंबक के क्षेत्र को बताएगी। तो चुंबक के क्षेत्र देखना ये हो जाएगा इसके अंदर की तरफ। तो इसमें चुंबक के क्षेत्र क्या होगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। तो अंदर की तरफ होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रॉस, यहाँ पर हम लिखेंगे क्रॉस। अगर हमें यहाँ पर निकालना होता चुंबक के क्षेत्र, हम सपोज करें कि हमें
यहाँ पर निकालना है, बिंदु P हमने यहाँ पर ले लिया है और यह दूरी है R। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही काम हमें करना है कि अपना जो अंगूठा है उसको हमें कहाँ लेके जाना है, चुंबक के क्षेत्र की दिस जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा में अंगूठे को करना है, और जो अंगुलियां हैं उसको किस साइड कर देना है, जिस दिशा में हमें चुंबक के क्षेत्र निकालना है। तो अब की बार हम देखना किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि अंगूठा है, अंगूठे को तो कर देना है जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा देखना ऊपर की दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो जो चुंबक के क्षेत्र का निकालना है इस बिंदु के ऊपर, तो जो दिशा आएगी वो आपकी तरफ आएगी यानी कि हमारी तरफ आएगी, इसलिए इसको हम लिखेंगे किससे, डॉट से। इसको हम बोलते हैं दाई हथेली का नियम, वो भी आपको करवा दिया जाएगा। तो आपको ये पर इसको भी याद रख लेना है कि आपको क्या करना है कि दाएं हाथ को काम में लेना है, अगर बिंदु इस पर निकालना है तो जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में तो अंगूठे को करना है। तो धारा देखना ऊपर की तरफ प्रवाहित, ऊपर को तरफ अंगूठे को कर देना है। चुंबक के क्षेत्र देखना किस दिशा में हमें देखना है, इस दिशा में, तो अंगुलियों को इस दिशा में कर देना है। तो अपने पास जो धारा की जो चुंबक के क्षेत्र की जो दिशा आएगी वो आएगी अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ आएगी क्योंकि हथेली अपनी अंदर की तरफ है। अगर इस बिंदु के ऊपर देखना है वही काम करना, अंगूठे को धारा की दिशा में कर देना है। तो इस अब की बार क्या करेंगे, अंगूठा ऊपर की तरफ, धारा पर अंगूठे को ऊपर की तरफ कर दिया, चुंबक इस तरह यहाँ पर निकालना है। तो जो अपने पास जो चुंबक के क्षेत्र की दिशा आएगी वो आपकी तरफ हमारी तरफ आएगी, इसलिए इसको हम लिखते हैं डॉट से और इसको हम लिखते हैं क्रॉस से, क्योंकि अगर आपकी तरफ आ रही है तो हमें जो तीर का निशान है इसमें आपको डॉट ही दिखेगा, क्योंकि आपकी तरफ तीर आ रही है तो हमें पहले डॉट दिखेगा, इसलिए डॉट है। और ये अंदर की तरफ जा रही है तो इसलिए हमें तीर का क्रॉस वाला चिन्ह है, यानी कि इस प्रकार से तीर होती है, इस प्रकार से तीर होती है। अगर अंदर जा रही है तीर तो हमें ये दिखेगा, अगर तीर हमारी तरफ आ रही है तो हमें क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा, इसलिए इसको डॉट से दर्शाते हैं और इसको दर्शाते हैं क्रॉस से। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, बायो सावर्ट का नियम, और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और अब हम जो करेंगे इस चैप्टर का वो करेंगे बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग, उस अनुप्रयोग में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बायो सावर्ट का नियम हम लगाएंगे, किस प्रकार से हमें किसी धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान हम निकाल पाएंगे, और तार की कंडीशन किस प्रकार से होगी, तार है वो वृत्ताकार होगा, सीधा तार होगा, बेलनाकार तार होगा, किस प्रकार से हम तार लेंगे, वो हम बायो सावर्ट के अनुप्रयोग में पूरा का पूरा काम करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग। तो इससे पहले आपको एक तो ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लेना है, और एक जो पहले जो ओरस्टेड का प्रयोग किया था वो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। अगर आपको कोई भी समस्या आए इस टॉपिक के अंदर और जो पहले आपको टॉपिक करवाया था तो आप वो समस्या भी पूछ सकते हो, आपका समाधान है वो समस्या का किया जाएगा। तो अब इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो, और जो अब अगले वीडियो में हम करेंगे वो करेंगे बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग।